रससम का देखिए इश्क कोई आसान बात नहीं है। आजकल जो हम जो तमाशे देख रहे हैं, एक इश्क था जब जो है रससम के वास्ते जो है सहाबा आके, जब रसूल एक सहाबी आके रसूल को फरमाया कि या रसूल मैं आपसे बेइंतहा इश्क करता हूँ। और फिर देखिए हम दावा करते हैं ना हम भी इश्क रसूल, तो रसूल ने फरमाया तुम क्या कहते हो, ज़रा सोच के को। तो कहा कि या रसूल मैं वाकई में आपसे इश्क करता हूँ। फिर कहा रसूल ने तुम क्या कहते हो, ज़रा सोच के। तो कहा यहाँ रसूल मैं आपसे बेहद इश्क करता हूँ। तो रसूल ने फरमाया कि अगर ऐसा ही है तो आपने कसम खा के कहा कि अगर तुम्हें मुझसे इश्क है तो तुम्हारे पास फ़ख्र यानी गुर्बत भूख फाका इस तरह दौड़ता हुआ आएगा जिस तरह जो है तूफान का पानी दौड़ता हुआ आता है। अगर तुम्हें जो है मुझसे मोहब्बत है, इश्क है, तो ये मुसीबतें दौड़ती हुई आती हैं। आदमी जो है खुश चैन खाता पीता हुआ रह के जो है इश्क का दावा नहीं कर सकता, सीधी सीधी बात है। आज इश्क रसूल के दावे के वास्ते मैं जो है हरी झंडी अपनी गाड़ी पे लगाता हूँ और जो है हरे कपड़े पहनता हूँ, अपने माथे पे जो है वो पेशानी पे जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह लिख के लगाता हूँ। अपने इश्क के दावे के वास्ते इतना हम गिर चुके हैं कि जो है अपने इश्क का सबूत जो है एक झंडी से पेश कर रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ, ये हालत ही हाजिरा है। आप अगर आप 20-25 साल पहले गए तो जो है आपको कोई ये हालत नहीं मिली। और आपको कह दूँ मैं यहाँ पर जो है मैदवियों से मुखातिब हूँ, किसी सुन्नतुल जमात से या अहले हदीस से नहीं, क्योंकि सुन्नतुल जमात अहले हदीस की ज़िद में जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है अब वो जो जो काम कर रहे हैं, जो हंगामा हो रहा है, वो महज जो है क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लोग गुस्ताखी करते हैं, तो हम जो है शान बताएंगे। ये उरूज पे इस तरफ पे, और इधर अहले हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है शान में गुस्ताखी करते हैं, कोई मिलाद वगैरह नहीं। अब हम बीच, अब देखिए मैदवी है, आपको सीधी सीधी बात है, हमारे वास्ते जो है मुनकिरों की जमात एक ही सफ़े पर, चाहे वो सुन्नतुल जमात हो जाओ, चाहे वो अहले हदीस हो जाओ, चाहे वो तबलीगी जमात हो जाओ, वो एक ही सफ़ है आपके हमारे वास्ते। अब हम जो है मरूब होकर कि वो लोग क्या कहेंगे, अगर हम जो है जुलूस नहीं निकालेंगे, अगर हम जो है जलसा नहीं करेंगे, तो वो लोग क्या कहेंगे। मरूब होकर महज जो काम हो रहा है आजकल, जितना तमाशा हो रहा है, वो महज मरूब होकर है कि हम उनको क्या बताएंगे, भाई हम भी जो है आखिर उम्मत मुस्तफ़ा से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि देखिए कितना झूठा दावा है, एक तरफ बुजुर्गान महदविया है, उनका अमल है इमामाना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से लेके हाल तक, कहीं पे जो है ये अमल नहीं मिलता, ये जुलूस, ये हंगामा, ये म्यूज़िक, ये बाजे कहीं पे नहीं मिलते। जहाँ पे मौसूखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शैतानी अमल बताया है सीधा सीधा, ये दज्जाल के जो है अमाल है, दज्जाल के तरीक़े हैं। यहूदी उस तरफ बैठ के कहते हैं कि मुसलमानों को जो है शीप फॉलोइंग का तरीक़ा बड़ी आसानी से जो है इसमें फंसाया जा सकता है, यानी एक बकरा जिस तरफ निकलता है उस तरफ जो है पीछे पीछे सारे बकरे निकल जाते हैं, तो लोग जो है फिरा रहे हैं वहाँ से बैठ के, और हम जो है उसी तरह जो है भागे चले जाते हैं। एक अमल जब शुरू होता है तो पीछे पीछे जो है सारा अमल शुरू हो जाता है। हालांकि इश्क रसूल सल्लम का दावा इस तरह नहीं होता। रसूल सल्लम का देखिए अगर इश्क का दावा है तो रसूल सल्लम फरमाते हैं कि जो है जिसने अमदन नमाज तर्क की वो काफिर है। रसूल सल्लम का कौल है, आपका फरमान है, जिसने अमदन जानबूझ के नमाज तर्क की वो काफिर है। अब नमाजें छोड़कर हंगामा मचाना कहाँ के, अब एक तरफ जो है रसूल कह रहे हैं कि जो है जिसने अमदन नमाज तक की काफिर है, फिर जो है वहीं पे मैं ठहर के जो है कलमा पढ़ रहा हूँ और जो है नारेबाजी कर रहा हूँ, ये देखिए कितना भयानक माहौल है। और हम महदवी, मैं अपने ख़ासतौर पे जो है अपने महदवी भाइयों से यहाँ पे मुखातिब हूँ कि जो है हम महदवी अपने आप को उस माहौल में ढले जा रहे हैं, वो जो बह रहा है पानी ज़ोरदार जो दोज़ख की तरफ ले जा रहा, हम वहाँ पर जा रहे हैं। वो महदविया जमात जो सच्ची आशिकाने रसूल सल्लम की जमात है, सच्चे रसूल सल्लम के आशिका हैं, जो रसूल सल्लम ने जो बताया है वही अमल, जिनको देखकर, जिनके बुजुर्गों को देखकर, गैरों ने कहा कि उन्हें देखकर जो है असहाबे रसूल की याद ताज़ा हो जाती है। हमारे बुजुर्गों को देखकर गैरों ने, अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि उन्हें देखकर असहाबे रसूल की याद ताज़ा हो जाती है। ऐसा जिक्र, ऐसा फ़िक्र जो रसूल सल्लम का था, जो रसूल सल्लम के जो है सहाबा का था। अब देखिए हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश की जो है ज़िंदगी गुजारते हुए जो है नारेबाजी और हंगामा कर रहे हैं, और रसूल सल्लम के पास अगर जाएंगे और सहाबा के पास जाएंगे, इंतहाई सख्त फ़ख्र व फ़ाक़े के साथ वहाँ पर ज़िंदगी गुजर रही, पत्थर बांधे हुए रसूल सल्लम जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे 40-40 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गुजर जाते हैं जहाँ पर जो है चूल्हा तक नहीं सिलगता था। उस घर में जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी मोहब्बत में कायनात बनी थी, उनके घर में जो है चूल्हा तक नहीं सिलगता था। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, विसाल के बाद,
सहाबा के घरों में जाते, उनके दस्तरखान पर जब दो साले देखते तो कहते कि जो है तुम दीन रसूल से जो है फिर गए हो। एक से ज्यादा साल, दो साले देखते तो कहते कि जो है तुम दीन से फिर चुके हो। देखिए कितनी सादगी के साथ, और हकीकत जो है वाकई में बहुत कड़वी, हकीकत वाकई में बहुत कड़वी। हम इंतहाई दूर आ चुके हैं रसूल सल्लम के, जो है जैसा जैसा ज़माना गुजरता जा रहा है हम जो है दीन से उतना बेबहरा होते जा रहे हैं। इमाम मेहदी मौऊद अलैहि सलाम आए और दीन रसूल सल्लम को जो है उसी तरह ताज़ा किया, फिर उसी के बाद से जिस तरह मेहदी मौऊद सलाम का जैसा जैसा ज़माना दूर होता जा रहा है, हम दीन से जो है बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। अब जो है दीन की शक्ल ही बदल चुकी है। अगर अब मैं कुछ कह दूँ यहाँ पे तो लोग कहेंगे कि देखो किस तरह से जो है बातें कर रहे हैं, यानी जो है अगर आप जलसे जुलूस के खिलाफ बातें कर दें तो माज़ाल्लाह ये समझेंगे कि जो है रसूल की जो है शान में गुस्ताखी हो रही। हालांकि वो बात ही नहीं है वहाँ पे, वो दीन ही नहीं है, वो काम ही नहीं है जो रसूल ने किया है, या मेहदी माउद सलाम ने किया है, या असहाब रसूल ने किया है, या असहाब मेहदी माउद ने किया है। कहीं से आप हुज्जत ही नहीं ला सकते, और इश्क का दावा जलसे और जुलूस से दिया ही नहीं जा सकता। इश्क का दावा जो है जलसे और जुलूस से दिया ही नहीं जा सकता। आपको वही करना है जो रसूल ने किया है, आपको डूबना है वहाँ पर रसूल की ज़ात मुबारका में, जो है आपको फना होना है। हूबहू उसी तरह का जो है आपको अमल करना है, आपकी सुबह, आपकी शाम, आपका खाना, आपका पीना ख्याल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है होना है। तब जाके आप जो मुसलमान होंगे, आप जाके जो है अल्लाह ताला जो है आपको बख्शेगा उनके तुफेल में। वरना जो इन दावों के साथ तुम इस्लाम फरमाते कि जिस तरह बहुत सारे लोग मोहम्मद मोहम्मद कहते दोजख में जाएंगे, तो क्या मेहदी मेहदी कहते दोजख में नहीं जाएंगे? यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद मोहम्मद कहने वाले हैं लेकिन दोजख में जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहदी मेहदी कहने वाले हैं और दोजख में जाएंगे। ये खुली बात है, ये खातिमैन का फरमान है। तो क्या है मतलब, जुबान तक जो है बात रह चुकी है, हमारी जो हमारा जो अब अमल है वो सीधा सीधा जो जुबान तक है, और हालात वाकई में इंतहाई ख़राब हो रहे हैं। इमाम मेहदी मौऊद अलैहि सलाम ने जो है फरमाया था, आपने फरमाया है कि जो है बंदा और मोहम्मद रसूलुल्लाह ईमान बांटते हुए आए, भाई ईसा ईमान छीनते हुए आएंगे। और हकीकत में जो है ईमान देखिए छीना जा, बड़ी तेज़ी से ईमान छीना जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया था कि जो है मुझे जो है इस बात की परवाह नहीं है, ये डर नहीं है कि मेरी उम्मत जो है शिर्क में मुब्तला होगी, लेकिन हाँ मुझे इस बात का डर है कि मेरी उम्मत जो है दुनिया की मोहब्बत में हलाक ना हो जाए। दुनिया की मोहब्बत में जो है बहे जा रहे हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशात में, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार में जो है इंसान बहा जा रहा है, गफलत की दुनियाओं में, गफलत के पर्दों में जो है उसके उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं, वो बहा जा रहा है। और सबसे मायूब बात यह है कि जो है जो वो कर रहा है उसे दीन समझ रहा, थोड़ा वो चल रहा है फिर रहा है उसे दीन कह रहा है, वो दीन है ही नहीं। तो खुदा के वास्ते जो है हकीकत की जो है दीन की हकीकत को समझिए, ये दीन है नहीं। हमारे पास शीखा पुकारा वगैरह जो है ये काम थे नहीं। यहाँ पे जो है ये वो ज़ात है, ये वो कौम है जहाँ पे जो है अल्लाह ताला की दीदार के जो है तजीलात के तजीलात पी गए और लबे बाला तक कर नहीं, वहाँ पास कोई चीखा पुकारा नहीं, कोई आहवो पुकार नहीं है। यहाँ पे जो है बड़ी आसानी के साथ अल्लाह का दीदार भी कर लिया जाता और आवाज़ भी नहीं होती, बड़ी आसानी के साथ उसे जो है देख भी लिया जाता और कोई आवाज़ भी नहीं होती। तो ये कौम का पैमाना बहुत बड़ा है, इतने जल्दी आवाज़ नहीं निकलती। देखिए ये किसी में जो है जो ज़र की बर्दाश्त रहती, अगर आप किसी को मुक्का मारेंगे तो वो चीखेगा, लेकिन जिसको जो है बहुत ज़्यादा बर्दाश्त रहती वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करेगा, बहुत बड़ी मार पे जो है वो चीखता है। यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, खाली हंगामा हो रहा है, हालात जो है इंतहाई ख़तरनाक हो रहे हैं। अगर हमें बचना है, देखिए आपको हमको सबको मरना है, बहुत जल्द जो है एक के बाद दिगर जो है हम ख़त्म होते चले जाएंगे। अपने आप को अगर बचाना है, अपनी आखिरत को संवारना है, तो हमारे पास आज भी मौका, हमारे पास अभी भी मौका है, हमारी आखिरी सांस तक भी जो है हमारे पास मौका है संवरने का, सुधरने का। ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने जब हमें जो है मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की कौम में पैदा कर दिया, तो ये जो प्रिविलेज अता हुआ है इसे नहीं खोना चाहिए, इसे हरगिज़ नहीं खोना चाहिए। एक वली अल्लाह के पास एक शख्स जो है काफ़ी बूढ़े होके जो है सब दुनिया छोड़ छाड़ के आए, काफ़ी बूढ़े होके, तो उन्होंने कहा, मुर्शिद ने कहा कि आप जो है बहुत देर से आए, तो कहा कि नहीं खुनकार जल्दी आ गया, यानी मौत से पहले आ गया, अभी भी मेरे पास जो है वक्त है, उससे मैं पहले आ चुका हूँ। अल्लाह ताला ने जो है मौका दिया है, अभी भी हमारे को जो है वक्त है हमारे पास, इससे पहले कि जो हमारी मौत आ जाए, इससे पहले कि जो है वो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए, इससे पहले कि जो है वक्त ख़त्म हो जाए, तो अल्लाह ने जो है हमें ये मौका अता किया है। खातिमुल इस्लाम का जो है सदका है, अल्लाह ताला ने जो है हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है उम्मती बनाया है, इमाम मेहदी मौऊद अलैहि सलाम की जो है तस्दीक अता की है। ये देखिए किसी को किसी किसी को जो है अता नहीं हुआ है, अल्लाह ताला ने हमें अता किया,
ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का। अल्लाह ने कुरान मजीद में जो है कई जगह फरमाया, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीमा यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो जिसे चाहता है अता करता है। अल्लाह ने हमें जो है अता कर दिया है, बस हमें चाहिए कि जो है इसकी कदर कर ले। इस तरह से जो है महतबी नहीं होते। महतबी वो सच्चा आशिक रसूल, वो जो पाँच वक्त की नमाज पढ़े, उसे पढ़ना ही पढ़ना है, पूरे इश्क के साथ उसे पढ़ना ही पढ़ना है। वो अपने जो है पैदाइश को जो है चीज़ करे, उसके ऊपर नज़र रखे, इस तरह की जो है ज़िंदगी गुजारना। तो अल्लाह ताला जो है इंसानों को फरमा रहा है, उलाई का कला नाम, वो लोग चौपायों के माने थे, इंसानों को कह रहा है जो है दुनियावी ज़िंदगी, बदतर ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं, तो इसका चाहिए कि जो है अपनी ज़िंदगी की जो है कदर कर ले। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ खास प्रिपरेशन इस वास्ते नहीं करा था, लेकिन हालात हाजिरा जो है काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, ख़ासतौर पर हमारे नौजवान बच्चे जो है इन चीज़ों से मरूब ना हो जाए। जो हाल ही में तब्दील आ रही, बड़ी तेज़ी से जो है तब्दील आ रही। देखिए पहले जो है, अब हम जैसा बड़ों से सुनते थे, पहले इस तरह ज़माना नहीं रहता था, लेकिन अब हम खुद देख रहे हैं कि जो है हमारी बचपन हमारी जवानी में जो है इतने हालात ख़राब नहीं थे। अब जो हंगामा, जो शोर बरपा जो देखा जा रहा है, कि बास तो जो है नाच कूद भी रहे हैं, डिस्को लगा रहे हैं, तो सिस्टम के नाम पे देखिए। अगर आप दुनियावी एतबार से नाच गाना कर ले तो वो बात अलग है, लेकिन नाम रसूल लेके शैतानी का, ये कितना ख़राब चीज़ है, कितनी भयानक तरीके से जो है दुनिया मार रही, कितनी भयानक तरीके से जो है शैतान इस रंग को लेके मार रहा है। आप डिस्को में जा रहे हैं, कहीं पे पार्टीज वगैरह हो रही है, वहाँ पे जो है शैतानी काम है, आपको मालूम ही है, हर किसी कोई जानता है। लेकिन जो है एक इस्लाम का रंग लेके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है नाम लेके जो काम किया जा रहा है, ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। इसको समझना है, ये दीन हो ही नहीं सकता। जहाँ पर जो है नाच गाना हो, जहाँ पर केक काटे जाएँ, ये दीन हरगिज़ नहीं हो सकता। इससे हमें निकलना है, और आपको जो है अकलमंद बनना, देखिए स्मार्ट बनना है आपको। अल्लाह ने जो है इंटेलिजेंट हर किसी को बनाया, लेकिन स्मार्ट जो होता है वो इस्तेमाल करता है। हमें जो है जिस तरह जो है 99% अगर कोई बहा जा रहा है, पूरी कौम उस तरफ बह रही, तो आपको नहीं बहना है, आपको वही देखना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमामना में इस्लाम ने जो है बताया है, और आपको मर्द बन के रहना है। उसको मुखालिफत करना पड़ता है, आपको ठहरना पड़ता है, आपको बहना नहीं है। अगर आपको तूफ़ान आ रहा है, तूफ़ान में आपको ठहरना है, तो आपको बहुत मजबूत रहना पड़ता है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला खातिम इस्लाम के सदक़े में हम तमाम को ईमान के साथ जिलाए, ईमान पर ख़ात्मा करें, और रोज़े महशर में ज़ुमरे मोमिनीन में हमें उठाए। आमीन। कुछ